हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक बेहतरीन चीज से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट ठीक है स्टॉक देखिए स्टॉक मार्केट में लोग पैसे क्यों नहीं कमा कम, ज्यादा कमाते उसके पीछे का जो एक बड़ा रीजन है ना वो है रिस्क का मैनेजमेंट करना है ना रिस्क को वो मैनेज करके नहीं चलते जो चीजें गिर होती है वो बेचना नहीं चाहते ठीक है और जब प्रॉफिट आ रहा होता है ना तो प्रॉफिट को क्या होता है वो प्रॉफिट को बहुत जल्दी यहाँ पर बुक कर लेते हैं तो आज का जो वीडियो है ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें करूंगा ठीक है आपको चार्ट पे वो चीजें समझाता हुआ नजर आऊंगा तो इसे चीज को अगर आप सीख गए और समझ गए मेरी बात को ठीक है तो मैं पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो 400 400 500 500 पांच परसेंट तक के रिटर्न साल में ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर अर्न करते हुए नजर आते हैं सेम एज इट इज आप भी उस चीज को फॉलो करके है ना आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं 400 500 परसेंट ना बना पाओ धीरे धीरे टाइम लग जाए आपको चार साल पांच साल दस साल उस लेवल पे आने में बट अगर आज से ही उस रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना है ना स्टार्टिंग में आपको लगेगा यू आर लूजिंग मनी है हाँ ना बट धीरे धीरे जैसे ही आप यूज टू हो जाओगे आपको लगेगा इट इज अ बेनिफिशियल थिंग एज वेल एज टाइम देने पर आपके पैसे भी बनते हुए नजर आएंगे तो आज रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बैलाइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियो मिलते रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है सिंपली चीज़ों को समझाने पर फोकस रहता है तो चीज़ों को सीखिएगा सीखने के लिए यहाँ पर वीडियोज़ है जो हम यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं और अगर बारीकियां सीखनी है क्यों क्या कैसे का जवाब चाहिए ना आपको कि शेयर किस तरीके से मूव करता है क्यों करता है किस लिए करता है क्यों भागता है कौन से शेयर भागते हैं कौन से शेयर गिरते हैं ये सारा आपको अध्ययन करना है तो बेसिक्स टू एडवांस हमारा टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है वो सब कुछ एक कोर्स में आपको बताया जाता है ठीक है ना और रिस्क मैनेजमेंट उसी का एक पार्ट भी है ठीक है यहां पर ₹25000 आप देखें इस पूरे कोर्स को बुक कर सकते हैं वन टू वन क्लासेस होगी थ्री मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रैटेजी यूज इन स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट सब कुछ आपको देता हुआ नजर आऊंगा इस कोर्स को करने के बाद एक साल का एक्सपीरियंस आप ले लीजिएगा मार्केट का आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी बाकी डबल एट सिक्स जीरो फाइव फोर जीरो फाइव जीरो वन एट वन सिक्स नाइन टू सिक्स वन जीरो थ्री सेवन दोनों नंबरों को सेव करके कोर्स कर सकते हो और साथ में अगर काम करना है तो आप क्या हमारे साथ काम भी कर सकते हो बट कंडीशन ये है पोर्टफोलियो जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर एक बार बात करके देखिए बात करने का कोई पैसा नहीं है सिंपली simply... अगर हमारे बीच में चीजें सेटल होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर काम कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पर खेल समझते हैं ठीक है तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफाई एनालाइज एक्शन मॉनिटर कंट्रोल ठीक है अब आपको मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं पढ़ाने बैठूंगा सिंपली मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और चीजों को समझाऊंगा ठीक है चार्ट पे इन द सेंस मैं यहाँ पर देखिए आप ही समझ समझिएगा मैं इस किसी भी शेयर से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ मैं आपको सिंपली स्टॉक मार्केट का रूल बताता हूँ देखिए स्टॉक मार्केट में आपको 100 परसेंट सही होने की जरूरत नहीं है पैसे बनाने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर हार्वर्ड में पढ़ोगे या ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आओगे तभी आप पैसा बना पाओगे ठीक है सिंपली कुछ इमोशंस होते हैं कुछ लॉजिक होते हैं कुछ सिस्टम होता है उसी पे आप जब कंटिन्यू करते रहते हो ना उसके यूज टू हो जाते हो अपने आप चीज़ें आपके लिए वर्क करने लग जाती है पहली बात ठीक है और जो मैं इस तकनीक को बता रहा हूँ ठीक है इसमें आप हंड्रेड परसेंट सही हो जरूरी नहीं है धीरे धीरे जाओगे तो सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट टाइम लगेगा आप यहाँ पर अच्छे खासा परसेंटेज में एक हो सकते हो जैसे कि मैं अगर मैं अपने ट्रेड की बात करूँ तो मेरे सेवेंटी एटी परसेंट तक के ट्रेड ना हमेशा थोड़े से मिड टर्म में अगर मैं बात करूँ तो हमेशा सही ही जाते हैं बट स्टिल मैं सेवेंटी परसेंट भी नहीं मानता मैं मानता हूँ फिफ्टी परसेंट ठीक है और वही फिफ्टी परसेंट का रूल मैं आपके लिए लेके आता हूँ ठीक है और फिफ्टी परसेंट का जो रूल है वो ये है कि आपको रिस्क को मैनेज करना है कैसे मैनेज करना है ठीक है रिस्क को आपको मैनेज करना है देखिए कोई शेयर अगर दो पांच परसेंट दो परसेंट गिरता है ठीक है तीन परसेंट गिर जाता है मान के चलिए और तीन परसेंट गिरता है तो उसे ब्रेक इवन पे आने के लिए ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट ठीक है इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के लिए आपको कितने परसेंट के रिटर्न चाहिए लगभग सेम परसेंट के रिटर्न चाहिए तीन परसेंट के ही रिटर्न चाहिए तो क्या आप तीन परसेंट के रिटर्न कमा सकते हो इजीली तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ कि तीन परसेंट में ईजिली कमा लेता हूँ और आपके हिसाब से ही बात करता हूँ तीन परसेंट के रिटर्न ठीक है ना बहुत इजीली बन सकते हैं स्टॉक मार्केट में ठीक है अब थोड़ा सा हम चीजों को चेंज करते हैं तीन परसेंट से हम जाते हैं यहाँ पर दस परसेंट ठीक है ट चले जाए आठ परसेंट चले जाते हैं ठीक है आठ परसेंट को ब्रेक इवन करने के लिए कितने परसेंट के रिटर्न चाहिए लगभग आठ लग परसेंट के ही या नौ परसेंट मान के चलिए इतने रिटर्न यहां पर चाहिए ठीक है अब यहाँ पर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है और हम यहाँ पर दस परसेंट मान लेते हैं दस परसेंट के रिटर्न को ब्रेक इवन करने के लिए लगभग लगभग कितने रिटर्न की जरूरत है लगभग ग्यारह परसेंट के रिटर्न ठीक है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मैं पंद्रह परसेंट के हिसाब से जैसे ही पंद्रह परसेंट पे हम जाते हैं ठीक है तो पंद्रह परसेंट के रिटर्न को ब्रेक इवन करने के लिए लगभग लगभग सत्रह परसेंट अठारह परसेंट के, के रिटर्न चाहिए तो क्या अठारह परसेंट के रिटर्न ईजी है तो अगर मैं बात करूं निफ्टी बारह के हिसाब से बढ़ती है ठीक है हम बात करें बैंक की तो बैंक आपको केवल एफ में पांच से छह के रिटर्न देता है ठीक है सात परसेंट मान के चल लीजिए बड़े से बड़े और अगर हम बात करें बॉन्ड की बॉन्ड आपको आठ परसेंट नौ परसेंट दस परसेंट के रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं म्यूचुअल फंड में जब आप लॉन्ग टर्म काम करते हो ठीक है तो आपको पंद्रह परसेंट बीस परसेंट मिलता हुआ नजर आता है ठीक पंद्रह परसेंट और जब आप कंपाउंडिंग करते हो अच्छे शेयरों में आपको अच्छे शेयर मिल जाते हैं तो लोगों की पच्चीस परसेंट तीस की कंपाउंडिंग होती है और जब हम राकेश झुंझुनवाला की सर की बात करें तो पचपन की कंपाउंडिंग होती है ठीक है तो हम यहाँ पर अगर देखें तो देखिए के रिटर्न से एक अच्छा डिसेंट पैसे बनते हुए नजर आते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम और चीजों को बढ़ाते हैं तो और चीजों को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर कोई शेयर बीस परसेंट गिर जाता है उसको ब्रेक इवन करने के लिए कितने रिटर्न चाहिए पच्चीस परसेंट के तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमारा लॉस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के लिए ही पच्चीस परसेंट मतलब हमारे जो रिटर्न है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा और रिस्क को बढ़ाते हैं ठीक है अगर मान के चलते हैं हमारा कोई शेयर तीस परसेंट गिर गया ठीक है उसे ब्रेक इवन पे आने के लिए कितने परसेंट के रिटर्न, 44 के रिटर्न यहां पर चाहिए क्या फोर्टी फोर परसेंट के रिटर्न कमाना आसान है अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि आप अपने पोर्टफोलियो पे 44 परसेंट के रिटर्न कमाते हो क्या आप 44 परसेंट के रिटर्न इजीली हर बार कमा सकते हो एक शेयर पे वो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा आपको चीजें ऑटोमेटिकली आप आपका जवाब मिल जाएगा ठीक है कि 44 परसेंट के रिटर्न आसान है या नहीं है तो काफी लोग काफी शेयर होते हैं जो जैसे पेटीएम की बात करें ठीक है कितने गिर जाते हैं पचास परसेंट साठ परसेंट सत्तर परसेंट तक यहाँ पर गिर जाते हैं उन्हें ब्रेक इवन करने के लिए कितने परसेंट के रिटर्न चाहिए उन्हें पचास परसेंट गिर गया तो सौ और एक सौ एक परसेंट के रिटर्न की जरूरत है यहाँ पर ब्रेक इवन पे और बहुत सारे शेयर आपने देखे होंगे ठीक है ना हम ले लेते हैं और उसके बाद शेयर कहाँ तक गिर जाते हैं शेयर गिर जाते हैं लगभग लगभग अस्सी ना और 70 60 इतने गिर जाते हैं और इन्हें ब्रेक इवन करने के लिए 400 परसेंट तो मतलब क्या है कहने का मतलब कहने का एक सिंपल ये है कि जैसे जैसे आपका शेयर गिरता जाता है ठीक है उसे ब्रेक इवन लाने के लिए उतना ही परसेंटेज के रिटर्न और इतने परसेंटेज के रिटर्न अगर हम बात करूं 400 परसेंट अगर कोई शेयर 80 परसेंट गिर गया आपका और आप वेट करते रहे ठीक है सबसे पहले टाइम बर्बाद होगा दूसरी बात उसे ऊपर तक आने के लिए 400 परसेंट श्योर नहीं है कि वो 400 सौ परसेंट आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा और अगर आप वहां से निकल के दूसरी जगह जाते हो तो 400 परसेंट के रिटर्न पाने के लिए अगर हम बात करें नॉर्मली कि तीन से चार साल डबल होने में लगते हैं तो 400 परसेंट मतलब आपके 10 साल 12 साल यहाँ पर इसी में ब्रेक ही पे निकल गए तो अब कहने का मतलब क्या है क्या ये

आप मान के चलिए एक लाख रुपए का आपने लॉस किया ठीक है एक लाख रुपए पे आप हमेशा लॉस कर रहे हो एक लाख रुपए पे आप पचास मतलब क्या है कहने का कि मान के चलिए जब आप लॉस कर रहे हो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो और आप जब यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो आपका रिस्क हमेशा क्या होना चाहिए अगर आपको समझ में आ गया कि ये आपका शेयर काम नहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर काम करना चाहिए तो आप यहाँ पर उसका लॉस बुक करने में बिल्कुल भी कतराइए मत ठीक है ना लॉस बुक करना इज अ पार्ट ऑफ द गेम और आपको हमेशा लॉस बुक करना चाहिए ठीक है और याद रखिए अगर मान के चलिए हमने <coughs> सॉरी 50 परसेंट हमने सक्सेस है और 50 परसेंट हम यहाँ पर लॉस करते हुए नजर आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि हमने कभी तीन परसेंट का लॉस किया कभी हमने पाँच परसेंट का लॉस किया कभी हमने सात परसेंट का लॉस किया और अपना लॉस कभी भी दस परसेंट से ज़्यादा मत बढ़ाइए क्यों क्योंकि दस परसेंट के रिटर्न को ब्रेक ही बन करने के लिए लगभग दस परसेंट के रिटर्न ही चाहिए और आप वो दस परसेंट के रिटर्न ईजीली कमा सकते हो इसलिए दस परसेंट मैक्सिमम आपका होना चाहिए और जब आप एवरेज बनाओगे मान के चलिए सौ ट्रेड में से पचास ट्रेड लिए जो लॉस के थे ठीक है तो किसी में आपने दो परसेंट किसी में तीन किसी में पांच किसी में सात एक एवरेज मान के चले तो एवरेज हम छसेंट का निकाल के चलते हैं कि आपको छह परसेंट का एवरेज लॉस होता हुआ नजर आया ठीक है तो छह परसेंट का हमने एक, एक एवरेज लॉस लगाया तो यहाँ पर आप समझिए कि आपका जो एवरेज लॉस आया वो कितना आ गया लगभग छह परसेंट के आसपास का एवरेज लॉस आया पचास ट्रेड पे और इसके अगेंस्ट में जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका पचास ट्रेड प्रॉफिटेबल है ठीक है तो प्रॉफिट जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हम दो तीन चार परसेंट का बुक नहीं करते कभी हम दस परसेंट करते हैं कभी हम बीस परसेंट करते हैं कभी पंद्रह परसेंट करते हैं काफ़ी शेयरों में हम पचास परसेंट भी करते हैं किसी में साठ भी करते हैं किसी में सौ भी करते हैं ठीक है और किसी में और भी ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं फिर भी हम एक एवरेज ले रहे हैं चलो आपने एवरेज लिया कि चालीस ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो है इन पचास शेयरों पे और जब आप इसको इससे माइनस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप 50 सही होते हो ना तो भी आपका सी ए जी आर पे अच्छे खासे, खासे यहाँ पर इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने पर बनाते हो तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने लॉस को बुक करना सीखो सबसे पहली बात दूसरी बात दस परसेंट से ज्यादा लॉस मत बढ़ाओ तीसरी बात आपने कोई शेयर को लिया ब्रेकआउट पे और समझ में आया उसके अगेंस्ट में अगर चीज नहीं चल रही है तो उधर तुरंत ही काट तो दो तीन चार परसेंट का आपका लॉस होता हुआ नजर आएगा कोई परेशानी नहीं है उसे होने दीजिए ठीक है दूसरी तरफ यहाँ पर हंड करिए और जब बार बार आप करोगे ना तो काफ़ी बार आप लॉस भी करोगे काफ़ी बार प्रॉफिट भी करोगे जब लॉस करोगे तो यहाँ पर छोटे लॉस में निकल जाओगे जब प्रॉफिट करोगे तो आप बड़े प्रॉफिट में निकलते हुए नज़र आओगे और जब इसका और इसका एवरेज देखोगे ना ठीक है ना तो आप कहोगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टडी के थ्रू है ना आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हो ठीक है बस इसके लिए आपको मेहनत अपने इमोशंस पे कंट्रोल इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप जब लॉस बुक करते हो तो आप लॉस बुक करना नहीं चाहते वही लॉस दो परसेंट से चार होता है चार से छ होता है छह से दस होता है दस से बीस होता है बीस से पचास होता है और आप जब पचास पे आपकी हिम्मत टूट जाती है आप वहां पर बुक कर लेते हो फिर दोबारा शेयर ऊपर जाना शुरू कर देता है तो हमेशा याद रखिए लॉस को जितना छोटा बुक कट कर दोगे ठीक है क्या होगा ब्रोकरेज जाएगा थोड़ा सा लॉस होगा और दोबारा अगर उसके ऊपर शेयर अच्छा होगा तो क्या होगा ऊपर तो हमेशा टाइमिंग की बात होती है आपके शेयर अच्छे होते हैं बट कभी कभी टाइमिंग गलत हो जाती है तो इस चीज को फॉलो करके देखना आप अपने आप में रिजल्ट पाओगे कि आप अच्छे पैसे बना रहे हो बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो इस चीज को फॉलो करते हैं जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं ठीक है लॉस को टाइम पे बुक करते हैं छोटे लॉस रखते हैं प्रॉफिट बड़े रखते हैं और जब उनके ट्रेड होते हैं ना है ना वो यहाँ पर 500 परसेंट 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 इस तरीके के रिटर्न साल साल में बनाते हुए नजर आते हैं और पूरा काम कैश में नो फ्यूचर नो ऑप्शन कुछ भी नहीं ना इंटरडे ट्रेडिंग सिंपल केवल कैश सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और ऐसी ही बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हमारा कोर्स है कोर्स को ज्वाइन करिए आपको ये पूरे कोर्स में इस चीज का बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा जो मैंने अभी यहाँ पर सिखाया है और उसके थ्रू आप काम करेंगे तो पैसा बनेगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस